हेलो हाय एवरीवन, हाउ आर यू? आई होप यू ऑल आर फाइन एंड गुड मॉर्निंग. वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस ऑफ रॉयल इंटरनेशनल स्कूल. दिस इज क्लास 6, सब्जेक्ट इंग्लिश रीडर, एंड आई एम गोइंग टू स्टार्ट फर्स्ट चैप्टर द क्रैंकी मकाउ. दिस इज द सेकंड वीडियो रिलेटेड टू दिस चैप्टर. इन फर्स्ट वीडियो वी हैव रेड दैट देर वॉज अ क्रैंकी मकाउ. क्रैंकी मतलब इरिटेटेड, जो कि चिड़चिड़ा, जिसका नेचर चिड़चिड़ा हो. मकाउ इट इज़ द टाइप ऑफ पैरट, कलरफुल पैरट जिसको कहते हैं, वो यहाँ पर ये पैरट के लिए आया है. इन दिस चैप्टर वी हैव रेड दैट देर वर टू फ्रेंड्स, दो फ्रेंड्स थे जिनका नाम, एक तो जॉनी जे था और सेकेंड जो था वो था मकाउ, जिसका नाम क्या था, क्रेजी कुट. तो कौन कौन से दो फ्रेंड थे? जॉनी जे और दूसरा कौन था? क्रेजी कुट. तो जो जॉनी जे था वो ही वॉज अ सेलर. उसको, वो सेलर था, उसको लैंड पर रहना बिल्कुल पसंद नहीं था. वो गुआना के एक आइलैंड पर रहता था, वहां पर उसका छोटा सा कैबिन था. ओके, एंड हिज वन एंड ओनली वन फ्रेंड, उसका एक ही फ्रेंड था, इट्स नेम वॉज क्रेजी कुट. इट वॉज अ पैरट, वो एक पैरट था. वो बोल भी सकता था, इमिटेट कर सकता था, किसी की भी नकल उतार सकता था. ओके, अब हम बात कर रहे हैं कि क्रेजी कुट कैसा था. बैड टेम्पर था, ठीक है, और बहुत ही इरिटेट होता था वो. ही वुड शाउट ऑलमोस्ट लाइक ह्यूमन्स. वो जब वो इरिटेट होता था तो वो इंसान की तरह चिल्लाता था. अब हम आगे पढ़ रहे हैं, पेज नंबर फर्स्ट पर है. यहाँ से स्टार्ट कर रही हूँ मैं चैप्टर रीड करना. जॉनी जेज ओल्डर सिस्टर मिसी मे वॉज नॉट फॉन्ड ऑफ द मकाउ. जॉनी जे वॉज द सेलर एंड हिज फ्रेंड वॉज क्रेजी कुट. अब जो इसकी फ्रेंड थी, जिसका नाम था मिसी मे, क्या नाम था इसकी फ्रेंड सिस्टर का? मिसी मे. इसकी जो सिस्टर है, ओल्डर सिस्टर, एक बूढ़ी बहन है इसकी, बड़ी सिस्टर है जिसका नाम है मिसी मे, वॉज नॉट फॉन्ड, ये इनको पसंद नहीं करती थी. मिसी मे क्रेजी कुट को पसंद नहीं करती थी. शी वुड विजिट दैम वैन जॉनी जे एंड क्रेजी कुट वर स्टैंग इन देयर होम ऑन द आइलैंड ऑफ गुआना. अब वो क्या करती हैं, मिसी मे अपने भाई से मिलने आती हैं गुआना आइलैंड पर, जहाँ पर कौन रहता है, जॉनी जे रहता है. व्हेनेवर मिसी मे वॉज अराउंड क्रेजी कुट, और जब कभी भी क्रेजी कुट या मिसी मे क्रेजी कुट के आसपास में रहती थी, ही वुड स्क्रीज एट हर. समझ में आ रहा है? जैसे जब भी उसकी जो सिस्टर है मैसी में, उसके आसपास में क्रेजी कुट रहता था, तो उसको इरिटेट करने की वजह से, वो चिढ़ाने की वजह से, वो हमेशा स्क्रीज करता था एट हर, यानी कि उसकी तरफ. स्क्रीज का मतलब होता है एक अनप्लेजेंट सा साउंड, लाउडली साउंड, यानी कि चीखना, जो हमें कानों को पसंद नहीं होता. तो उसकी तरफ वो स्क्रीज करता था, चिल्लाता था. देन He would make sound of police siren. और उसको इरिटेट करने के लिए वो स्क्रीज तो करता ही था, यानी कि अनप्लेजेंटली लाउडली साउंड तो निकालता ही था, लेकिन वो जो पुलिस का सायरन होता है उसकी भी वो आवाज़ निकालता था. एंड ही वुड मैक साउंड्स ऑफ पुलिस सायरन एंड गन शॉट. पुलिस सायरन के साथ साथ में जो पुलिस गन के जो पुलिस शॉट होता है उसकी भी आवाज़ निकालता था. एंड लाफ अलाउड. और मिसी मे को, यानी कि जॉनी जे की सिस्टर को, वो इरिटेट करके बहुत ही हंसता था. मिसी मे एज यू कैन इमेजिन वॉज नॉट वेरी हैप्पी विथ क्रेजी कुट. और मिसी मे जो कि इसको फॉन्ड ऑफ नहीं करती थी, पसंद नहीं करती थी क्रेजी कुट के साथ में, वो खुश नहीं थी. एक दिन क्या होता है, वन आफ्टरनून मिसी मे कैम टू विजिट जॉनी जे. एक दिन क्या होता है कि मिसी मे आती हैं जॉनी जे से मिलने. वैन शी डिड नॉट फाइंड हर ब्रदर इन द हाउस. जब उसको वो देखती है कि घर में उसका भाई नहीं है. वट वॉज द नेम ऑफ मिसी मेज ब्रदर? जॉनी जे. जब वो देखती है कि जॉनी जे वॉज नॉट एट हिज होम, कि वो अपने घर पर नहीं है, शी डिसाइडेड टू स्लीप इन द पार्लर फॉर सम टाइम. वो सोचती है चलो उसका वेट कर लेते हैं, तो थोड़ी देर सोती है. पार्लर यहाँ पर कोई ब्यूटी पार्लर से रिलेटेड नहीं है, पार्लर का मतलब यहाँ रूम से रिलेटेड है. तो वो रूम के अंदर क्या करती है, रेस्ट करती है और सो जाती है. She ignored Crazy Coat. As we all know that वो Crazy Coat को बिल्कुल पसंद नहीं करती. So she ignored it. तो उसने मकाउ, यानी कि जो पैरट जिसका नाम Crazy Coat था, उसको वो इग्नोर करके सो जाती हैं. When he did not get the attention that he wanted, कि जब उसको अटेंशन नहीं मिलता, किसको, Crazy Coat को,
कि उसने उसकी तरफ देखा भी नहीं, क्योंकि इग्नोर कर दिया, उसको पता ही ये मुझे इरिटेट कर देगा, तो उसको इग्नोर करके वो सो गई। तो जैसा अटेंशन उसको चाहिए था वैसा अटेंशन नहीं मिला। क्रेजी कोट स्टार्टेड मटरिंग, मटरिंग का मतलब होता है बड़बड़ करना। तो क्रेजी कोट ने क्या स्टार्ट कर दिया, मटरिंग करना शुरू कर दिया, बड़बड़ाहट करना शुरू कर दिया, देखो मेरी तरफ देखा नहीं ये वो, एंड देन देन हिड बिहाइंड सम बुक्स, और जो शेल्फ में बुक्स रखी थी ना तो उसके पीछे वो छुप जाता है मटरिंग करता हुआ। तो इस पैरा में हमने क्या पढ़ा कि वन डे जॉनी जे सिस्टर कैम टू विजिट जॉनी जे एट हिज हाउस, उसके घर पर उसको मिलने आती है। एट द टाइम जॉनी जे वॉज नॉट एट हिज हाउस, और उस पर घर पर नहीं रहता ही है। देन ही डिसाइडेड टू टेक रेस्ट एंड इग्नोरिंग क्रेजी कुट, और उसने क्या किया, क्रेजी कुट को इग्नोर करना चाहा। इग्नोर किया, जब क्रेजी कुट को अटेंशन नहीं मिला, देन ही स्टार्टेड द मटरिंग एंड हाइड बिहाइंड द बुक्स, और बुक्स के पीछे वो छुप जाता है, मतलब चुपचाप बैठ जाता है कि भाई ध्यान तो दे नहीं रही। अब क्या होता है, देन अ थीफ क्लाइम्ड इन फ्रॉम द विंडो ऑफ द पार्लर, जो रूम होता है कैबिन, जो उसका छोटा सा हाउस बना रखा है गोआना आइलैंड पर, तो जो उसकी सिस्टर है मैसी में है वो स्लीपिंग, वो तो सो रही होती है, और जो मकाऊ यानी कि जो क्रेजी कोट है वो भी मटरिंग करके क्या होता है बुक्स के पीछे छिप जाता है। देन अ थीफ कैम फ्रॉम अ विंडो ऑफ पार्लर, तो उस रूम की विंडो से एक थीफ आता है, उसको लगता है ये तो सो रही है, ये जो लेडी वो तो सो रही है, और रूम में कोई है ही नहीं, क्योंकि जो पैरट था जो क्रेजी कोट था वो भी छुपा हुआ था। ही स्टार्टेड पुटिंग थिंग्स इन हिज बैग क्वाइटली बिकॉज ही डिड नॉट वॉन्ट टू वेक अप मिसी में, मिसी में सो रही थी, तो उसने चुपचाप से अपने बैग में सामान चोरी करके डालना शुरू कर दिया। वो बिल्कुल क्वाइटली शांति से धीरे धीरे डाल रहा था ताकि वो मिसी में जग ना जाए, बिकॉज ही डिड नॉट वॉन्ट टू वेकअप, क्योंकि वो जगाना नहीं चाहता था, और आवाज़ अगर हो गई तो मिसी में जग जाती। एंड ही डिड नॉट नो अबाउट द क्रेजी कुट, और उसको पता नहीं था कि जो बहुत चालाक है क्रेजी कुट वो तो बुक्स के पीछे छिपा हुआ है। बट द थीफ डिड नॉट नो अबाउट क्रेजी कुट हु वॉज हाइडिंग बिहाइंड द बुक्स, क्रेजी कुट तो छुप चुका था ना बुक्स के पीछे। एंड द थीफ वॉज अनअवेयर अबाउट क्रेजी कुट, और उसको बिल्कुल पता नहीं था कि बुक्स के पीछे कोई बर्ड भी छुपा हो सकता है और वो मेरी मुझे पकड़ सकता है। आउट ऑफ नो वेयर समवन शाउटेड, और कहीं से कोई चिल्लाता है, यू थीफ यू किल मी लीव मी अलोन, कैसी आवाज़ आ रही है, यू थीफ तुम चोर तुम मुझे मार दोगे, लीव मी अलोन मुझे छोड़ दो, आई कॉल पुलिस मैं पुलिस को बुलाता हूँ। अब वो शॉक्ड, ये तो सो रही, आवाज़ कहाँ से है, यू गो टू जेल तुम जेल चले जाओगे, इट वॉज फॉलोड बाय द साउंड ऑफ पुलिस सायरन, इसके बाद में पुलिस सायरन की आवाज़। और हमने पहले वाले पैराग्राफ में पढ़ा था दैट क्रेजी कुड मैक साउंड ऑफ पुलिस सायरन, की वो क्या बना सक आवाज़ कैसे निकाल सकता था, पुलिस सायरन की आवाज़ वो निकाल सकता था। तो इट वॉज द साउंड ऑफ क्रेजी कुट, ये आवाज़ किसकी थी, क्रेजी कुट की थी। एंड गन शॉट, और वो गन शॉट की आवाज़ निकालने लगा। सडनली टेरिफाइड द थीफ स्टूड एज इफ ही हैड टर्न इनटू स्टोन, सडनली अचानक जैसे उसने ये सब आवाज़ सुनी पुलिस सायरन की गन शॉट की, तो वो क्या हो गया, खड़ा हो गया, और एज इफ ही हैड टर्न इनटू स्टोन, और एक पत्थर की तरह वो खड़ा हो गया, मतलब वो हिला ही नहीं, एक स्टेचू बन गया। द थीफ जंप टू एस्केप एंड एट द सेम टाइम द सिस्टर शॉट अप फ्रॉम द चेयर, अब वो क्या करता है, एस्केप यानी कि कूदता है कि मुझे भाग, एस्केप का मतलब होता है भाग निकलना या बच के निकलना, बच के निकलने के लिए वो जंप मारता है। लेकिन उसी टाइम पर क्या होती है, उसकी सिस्टर जो थी मिसी में, जॉनी जे की सिस्टर है, वो जाग जाती है द फ्रॉम द चेयर, सरप्राइज द थीफ स्ट्रिप्ड द एंड स्टक हिज हैड ऑन द टेबल, और जो जो सरप्राइज हो जाता है भोचक का जो रह जाता है वो थीफ, वो ट्रिप्ड, हमने लास्ट वीडियो में ट्रिप्ड की स्पेलिंग बोर्ड पर लिखी हुई थी, उसका मीनिंग भी ट्रिप्ड का मतलब उलझ करके गिर जाता है, वो चेयर से जब उठती है तो उस चेयर से वो उलझ के गिर जाता है। एंड स्ट्रक हिज हेड, स्ट्रक यानी कि जो स्ट्रक का मतलब होता है हिट, और उसका जो सर है वो कहाँ से जा करके लगता है, टेबल पर, ही फैंटेड, और वो बेहोश हो जाता है। तो इस तरीके से क्रेजी कोट क्या करता है, सायरन की गन शॉट की आवाज़ निकाल के उसको पकड़ा देता है। मिसी में देन कॉल्ड द पुलिस, जब वो फैंट हो जाता है बेहोश हो जाता है तो मिसी में क्या करती है, पुलिस को बुलाती है, हु अरेस्टेड द थीफ, और वो उस चोर को पकड़ लेता है। फीलिंग एस्केटिक एट बींग सेव्ड, मिसी में वेंट टू क्रेजी कोट टू पैट हिम, अब क्या होता है जब उसको बहुत अच्छी फीलिंग आती है, एस्टिकेट का मतलब होता है बहुत खुश होता है वो, फीलिंग एस्टिकेटेड बींग सेव्ड मतलब बच जाने से उसको बहुत अच्छी वाली खुशी आती है। मिसी में वेंट टू क्रेजी कुट, अब वो जो चिढ़ती थी ना मिसी में क्रेजी कुट से, जो चिढ़ती थी इरिटेट होती थी, अब उसको बचा लेता है वो क्रेजी कुट, तो वो बहुत खुश होती है।
एस्टिकेटिक होती है और वो किसके पास में जाती है, क्रेजी कुट के पास में जाती है टू पैट हिम, और उसको पैट करती है मतलब सहलाती है। बट व्हाट डू यू थिंक डिड द ऑलरेडी इरिटेटेड क्रेजी कुट डू? तो आपको क्या लगता है जो पहले से ही चिढ़ा हुआ था वो भी क्या मान गया था? क्रेजी कुट सेड, क्रेजी कुट ने क्या कहा, यू थीफ यू किल मी लीव मी अलोन। वो क्या कहता है, वो और उसको चिढ़ा रहा है कि यू थीफ यू किल मी, वापस वो रिपीट कर रहा है अपने वर्ड्स, क्योंकि ये बोल सकता था लीव मी अलेन अलोन आई कॉल पुलिस यू गो टू जेल आ आ आ, ये कुछ साउंड ऐसा निकालता है क्रेजी कुट उसको इरिटेट करने के लिए। द पुलिस फ्रॉज वैन दे हर्ड क्रेजी कुट, और जो पुलिस ऑलरेडी वहाँ पर आई हुई थी ना उसको पकड़ने के लिए, तो वो फ्रॉज हो जाती, मतलब सरप्राइज हो जाती, ये बोलता भी है क्या। देन ब्रस्ट आउट लाफिंग, और फिर सब हंसी, उनके सबकी हंसी फूटने लगती है। दे अंडरस्टूड हाउ मिसी मे वॉज एबल टू एस्केप अनहर्ट, वो सब समझ गए कि कैसे मिसी मे हर्ट होने से, यानी कि मिसी मे को नुकसान पहुंचने से मिसी मे बच गई। अलोंग विद दिस पैराग्राफ आवर चैप्टर इज कम्प्लीटेड। इन आवर नेक्स्ट वीडियो वी विल सॉल्व सम एक्सरसाइज एंड वी विल डू वर्क इन आवर नोटबुक। टिल देन बाय बाय एंड थैंक यू।